हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो सिखाने वाला हूँ वो है इस तरह का सिंपल फ़ोटो को ऐसे पील एंड ब्राउन कलर कैसे कर सकते हो। सो भाई लो, वीडियो को पूरा देखो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फोटो को शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको लाइटरूम टूल पर ऐड करना है फोटो को। लाइटरूम टूल ओपन करने के बाद आपको इस फोटो को ओपन करना है। सो गाइस, सबसे पहले तो लाइट वाला आइकन को क्लिक करना है। उसके बाद शैडो को थोड़ा बढ़ा देना है, तो बढ़ा देता हूँ। उसके बाद ब्लैक को थोड़ा कम कर लेना है। और हाईलाइट को थोड़ा कम कर लेना है। यहाँ से कर लेना है डन। उसके बाद यहाँ पर जो कलर वाला आइकन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो ये वाइब्रेशन का देता हूँ, और यहाँ पर जो सैचुरेशन का ऑप्शन है उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। एंड उसके बाद जाता हूँ मिक्स टूल पर। मिक्स टूल पर आने के बाद आपको ये ग्रीन वाला आइकन पर क्लिक करना है और हुई को थोड़ा एंड सैचुरेशन को भी थोड़ा कम कर लेना है। और उसके बाद आपको आना है येलो कलर पर। येलो कलर पर आने के बाद आपको इसका सिचुएशन को थोड़ा कम कर लेना है। और हुई को थोड़ा कम कर लेना है। और इसके बाद आपको आना है ब्लू वाले आइकन पर। ब्लू वाले आइकन पर आने के बाद आपको इसका हुई को थोड़ा कम कर लेना है। एंड उसके बाद आपको आना है ऑरेंज वाले आइकन पर। आने के बाद इसका लुमिनेशन को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड इसका सैचुरेशन को थोड़ा कम कर लेना है। यहाँ से कर लेना है डन। उसके बाद आपको आना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसको बिगनेट को थोड़ा कम कर लेना है और मिड पॉइंट को थोड़ा कम कर लेना है। इसका जो फेदर है, फेदर को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद टोन पर क्लिक करना है। टोन पर क्लिक करने के बाद आपको एक कलर नॉइज़ को थोड़ा बढ़ा देना है। नॉइस रेजोल्यूशन को भी थोड़ा बढ़ा देना है। तो देख सकते हो आप, पिक्चर कंप्लीट हो गए और कितना ऑसम लग रहा है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।